जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भोलू जहांगीर, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर चैनल। दोस्तों सुल्तानपुर में बड़ी धूम मची है आज। सुल्तानपुर के विवेक नगर में आप माहौल देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो कि बहुत बड़ा स्टार आने वाला है। ये बात तो सच है कि कोई स्टार आने वाला है, बट आप वीडियो में बने रहिएगा, कौन सा स्टार आने वाला वो भी आप देख लेंगे। आपको बता दें कि विवेक नगर में माँ भगवती का जागरण होने वाला है, जिसमें अनुराधा पौडवाल उपस्थित होने वाली हैं। साथ ही सुल्तानपुर के द वॉइस इंडिया किड्स की विजेता निष्ठा शर्मा भी आने वाली हैं। बहुत से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थिति होने वाली है। आपको बता दें कि ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं, इतनी भव्य तैयारियां, ये तैयारियां जागरण की तैयारियाँ हो रही हैं, जिसमें जो है माँ भगवती की जागरण होगी, जिसमें अनुराधा पौडवाल यहाँ पर उपस्थित होने वाली हैं। इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी भव्य तैयारी आपने सुल्तानपुर में कभी नहीं देखी होगी जो आज आपने देख रही हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देखेंगे कैमरामैन के माध्यम से, किस तरह से सेटअप लगाया जा रहा है, साउंड को चेक किया जा रहा है और विधिवत पूरी तैयारियां लगी हुई है। वहां पर देखिए उस कार्यक्रम को, डीजे वाले को देखिए कैसे सेटिंग की जा रही है। सेटिंग करने के बाद डाउन किया जा रहा है चेहरा। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ से कितनी हजारों कुर्सियां लगी हैं और बहुत सारे प्रमुख चेहरे हैं, जैसे कुछ तहसील। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है, आप सबको जय माता दी। आज का ये माँ भगवती का जागरण सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल सुल्तानपुर मुसाफिर खाना और बैसुरी ट्यूटोरियल के सौजन्य से हो रहा है। कार्यक्रम में बॉम्बे से स्टार गायिका अनुराधा पौडवाल जी, इसरत जहां, आपके क्षेत्र की लड़की निष्ठा शर्मा, भजन सम्राट के रूप में जाने जाने वाले दीनबंधु जी, धर्मेंद्र पांडे जी, इन सब के एक सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें माँ भगवती का जागरण होगा, उनकी भजने होंगी। सुल्तानपुर जनपद के आसपास अमेठी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, जौनपुर, इन समस्त जिलों से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जितने मैसेजेस आ रहे हैं, जितने फोन्स आ रहे हैं, जितने पास के लिए फ़ोन आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि संख्या 8 से 10 हज़ार के ऊपर होने की संभावना है। उद्देश्य कुछ नहीं था, सुल्तानपुर जनपद जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जिस भी क्षेत्र में लिखा जाएगा, तो बिना सुल्तानपुर के वो इतिहास पूर्ण नहीं होगा। और उसी को और आगे ले जाने के लिए अनुराधा पौडवाल जैसी शख्सियत को सुल्तानपुर में बुलाकर एक जागरण कराने का छोटा सा प्रयास है माननीय रंजीत सिंह जी का, जो हमारे प्रबंधक हैं, उनकी सिर्फ प्रेरणा है, कृपा माँ जगदम्बे की उनके ऊपर है। उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं का आदेश था कि सर ने ऐसा एक आयोजन आज सुल्तानपुर में 12 मार्च 2023 को सर्कस ग्राउंड में आयोजित कराया है। कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट होने वाला है? कार्यक्रम हमारा 5 बजे आरंभ हो जाएगा। कितने बजे तक ये 12 बजे तक चलेगा। तैयारी आज कितने दिन से कर रहे हैं? बहुत भव्य तैयारी हुई है। ये सब माँ भगवती की कृपा है, तैयारियाँ पिछले 10 दिनों से चल रही हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है हम लोग ऐसा कुछ करने में सफल हैं। और बस चंद घंटे और शेष हैं आज के इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन में। पहले माँ भगवती की उपासना होगी, विधिवत पूजन होगा, इसके बाद भगवती जागरण होगा। अतिथि के रूप में कोई तो होगा आपके यहाँ? आज शहर के समस्त जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, MLC, DM, SP, CDO, इसके साथ साथ आपके पड़ोसी जनपद CRPF के DIG राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, ये समस्त लोग आ रहे हैं। जिस कार्यक्रम में माँ भगवती का जागरण हो तो किसी एक व्यक्ति का नाम ले लें कि मुख्य अतिथि है, कहना अतिशयोक्ति होगा। हम सभी भक्तगण हैं और आज के अगर कोई विशिष्ट अतिथि हैं तो अनुराधा पौडवाल जी हैं।